यूपी के रायबरेली जनपद में अभी 10 दिन पूर्व बनी सड़क धंसने से एक तरफ जहां बड़ा हादसा टल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों की भी पोल खुल जाती है। वहीं सड़क जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश की शादी से पूर्व रात दिन एक करके तैयार की गई थी, जिसके चंद दिनों में ही नवनिर्मित डामर रोड धंस गई, जिसके कि ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, किंतु मानक के विपरीत बन रही डामर रोड सरकार की छवि पर लगातार उंगली उठा रही है। दरअसल जगतपुर सलोन मार्ग का निर्माण तेजी से उस समय शुरू हुआ जब सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश की शादी जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवाड़ा गांव से हुई। इस रोड को बने लगभग 10 दिन ही हुए होंगे कि बुधवार की सुबह एक ट्रक फतेहपुर से मोरंग लादकर जगतपुर मार्ग से सलोन की तरफ आ रहा था, तभी जगतपुर थाना क्षेत्र के भटपुरवा गाँव के पास ओवरटेक करने में अचानक रोड धस गयी। आपका? हमारा नाम हनुमान। कहाँ के निवासी हैं आप? भटपुरवा। दादा ये कहाँ पे खड़े हैं इस समय आप? इस समय हम मान के चलो भटपुरो में खड़े। दादा ये दुर्घटना जो हुई है तक यहाँ पलटा हुआ है, हाँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे रोड की कमी से उल्टा हुआ है, रोड बैठ गया। अच्छा आप लोगों को कब जानकारी हुई? ये 5 बजे सुबह के टाइम है। हाँ सुबह के टाइम। भैया हम तो गाड़ी में बैठे थे, कंडक्टर हैं, बगल में गाड़ी खड़ी थी बाएं साइड, दाहिने से हम लोग निकल रहे थे। गाड़ी निकलने के एकदम बराबर जगह थी, हम लोग गाड़ी निकाल रहे थे, अचानक से आगे वाला टायर निकल गया, उसके बाद पीछे के पूरे टायर धंसते चले गए रोड फटने की वजह से।